अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं फरजाना मेमन आज आपके लिए लेके आई हूँ चाइनीज बिरयानी की रेसिपी। आप जो है इसे फ्राइड राइस भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने इसे थाल डाल के बनाया है, इसलिए इसे मैंने बिरयानी का नाम दिया है। आप लोगों ने इस रेसिपी को रमजान में जरूर ट्राई करना। लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को ऑल पे जाके सेट कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज आपको देखने को बआसानी मिल सके। सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करा करें, क्योंकि हुकूमत ने इस पर कोई टैक्स नहीं रखा है। इसे बनाने के लिए मुझे चाहिए थे आधा किलो, मैंने राइस ले लिए हैं जो बासमती चावल हैं, उसे भिगा लिया था मैंने एक घंटे तक, और फिर मैंने इसे बॉईल किया है। बॉईल करने के बाद एक कनी इसके अंदर मैंने छोड़ दिया है, इसलिए कि इसे मैं दम पे रखूँगी। और हमें चाहिए गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, हरी प्याज के पत्ते, हरा धनिया, थोड़ा सा गार्निश के लिए, और मैंने लिया था चिकन का कीमा जिसे धो के मैंने इसके पर दही के साथ मसाला लगा दिया था, चिकन तंदूरी शान का वो लगाया, और तीन अंडे मैंने बॉईल करके छील लिए थे। ऑयल को मैंने यहाँ पर गरम रख दिया है, इसके अंदर एक चम्मच भर के लहसुन डाला है और इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का हल्का फ्राई करूँगी। जब ये हल्का फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम चीज़ें डालना शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं चिकन डालूँगी, और चिकन को डालने के बाद इसको हल्का सा भून लूँगी। आप लोग को पता है कि चिकन जो है वो फ़ौरन गल जाता है, इसे हमें ज़्यादा देर गलाना नहीं पड़ता, तो इसीलिए बस इसको घुमाऊँगी मसाले के साथ ही, और बस मसाले का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म करना है। इसके साथ हमें गाजर शामिल कर देनी है। गाजर के बाद हम जो है शिमला मिर्च शामिल कर देंगे, इसमें शिमला मिर्च हम डाल देंगे, और इसके साथ ही हम बंद गोभी भी इसी में शामिल कर देंगे। बंद गोभी के साथ हम सारी चीज़ें वक्फे वक्फे इस पर डालते चले जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, काली मिर्च, नमक। नमक आप थोड़ा सा ही डालिएगा, क्योंकि इसमें जो मसाला मैंने डाला है चिकन तंदूरी, उसमें नमक होता है। अब डालेंगे चिली सॉस दो चम्मच भर के, सोया सॉस एक चम्मच, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम हल्का सा खुश्क कर लेंगे घुमाने के बाद, इसको अच्छी तरह घुमाते रहेंगे ताकि कीमा जो है उस पर लगे नहीं फ्राई पैन में। और हम डालेंगे इसमें कटर मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैंने इसमें आधी चम्मच डाली थी। बस इसे हल करके हम चूल्हे को इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे चूल्हे को बंद कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है, और मैंने चूल्हा जो है बंद कर दिया है। यहाँ पर जो मैंने पतीला लिया है इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, उसके साथ दो चम्मच मैंने घी भी डाला है। इसकी वजह यह है, ये डालने से तले के अंदर ऊपर चावल डालेंगे तो नीचे तले के अंदर चावल जो है वो हमारे चिपकेंगे नहीं और जलेंगे नहीं, और हमारी जो बिरयानी है वो हमारी अच्छे से दम पे आ जाएगी। तो इस जगह पे मैं तेल लगा रही हूँ, मैंने एक हिस्सा चावलों का डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं अंडे सजा दूंगी, जो मैंने तीन अंदर अंडे काट के रखे हैं वो इसके ऊपर हम लगा देंगे। उसकी तेल लगाने के बाद हम इसके ऊपर वफ़ा वफ़ा हर जगह थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के आप अंडा रखिएगा, ताकि आप निकालें उस वक्त बिरयानी के थर से तो हर किसी की प्लेट में अंडा भी शामिल हो। अंडे डालने के बाद इस पर मैं थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी, इसके ऊपर हम सारा मसाला डाल देंगे, जो मैंने चाइनीज़ बिरयानी मसाला तैयार किया है वो हम बिछा देंगे, और बिछाएंगे चारों तरफ कि किस इस कोई भी कोना हमारा खाली ना रह जाए, चारों तरफ आप बिछा दें, और बचे हुए चावल जो हैं उसकी तह भी आप ऊपर लगा दीजिए। और इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ी हरी प्याज, बाकी हरी प्याज के पत्ते जो है मैं रख लूंगी, क्योंकि प्याज जो है वो नरम पड़ जाती है, इसलिए मैं इसे ढक्कन ढक के दम पे रख रही हूँ। सिर्फ 5 मिनट हमें इसे दम पे लगाना है। देखें 5 मिनट के अंदर बिरयानी जो है दम पे आ चुकी है, अब मैं डिस आउट कर रही हूँ। मैं जब तक बिरयानी को डिस आउट करती हूँ, आप लोग वीडियो को मेरी लाइक कर दें। बिरयानी मैं निकाल चुकी हूँ, इसके ऊपर जो मैंने प्याज हरे पत्तों की काट के रखी हुई थी, जो आधी मैंने दम पे डाली थी, आपको बताया था कि नरम पड़ जाती, जो ऊपर से हम सर्व करेंगे उस वक्त करंची करंची प्याज ऊपर से डालेंगे। यहाँ पर जबरदस्ती हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी को आपको जरूर ट्राई करना है। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।